सो है एवरीवन, आज ये जंगल सीन का ट्रिप एंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ जो अपना एक्रेलिक पेंट यूज़ में ले रहे हैं, तो हमारा जो कैप होता है ना उसके अंदर एक होता है थोड़ा सा थर्मोकोल टाइप का कुछ सर्किल, वो मैंने यहाँ पे यूज़ में ले लिया जहाँ पे मेरा फिंगर टच है, एक सन जैसा कुछ शो करने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा कलर ना लगे, वाइट पार्ट हमें चाहिए। हम बाद में भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे ये यूज़ में ले लिया, इससे ज़्यादा ब्राइट और वाइट अच्छे से दिख जाएगा और हमारा वहाँ कलर वहाँ पर जाएगा भी नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेमन येल्लो यूज़ में लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे नियोन ग्रीन लिया है, नियोन ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन नहीं है, नियोन ग्रीन है। आप लाइट ग्रीन भी ले सकते हो, डार्क ग्रीन थोड़ा बाद में लेंगे, लाइट ग्रीन ले सकते हो ओनली, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ पोस्टर कलर ऑल्सो, केक कलर ऑल्सो, लाइक आपके पास इफ ये नहीं हो हम कोई सा भी वाटर कलर यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने लेमन येल्लो लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नियोन ग्रीन लिया, ठीक है। अभी इसको मिक्स करते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। एंड यहाँ पे हम स्ट्रोक्स यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मिक्सिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, बस स्ट्रोक से मिक्स कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज़ में ले लिया है, एंड लुक उसी तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ स्ट्रोक्स के डॉट 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 डॉट, इस तरह से जहाँ पे मुझे लगता है कि लाइक ये मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा है वहाँ दूसरा कलर यूज़ में ले लेता हूँ। लाइक जैसे मेरे को लगता है ना कि जो कलर ड्राई हो गया है वो कलर मैं दोबारा लगा लेता हूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस पूरे पार्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड हमने यहाँ पे टैप यूज़ में ले लिया है तो इसकी बाउंड्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी अच्छे से, तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। एंड लुक वहाँ पे हमने पहले वो लगा दिया है ना कैप का ढक्कन का वो जो होता है कुछ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कलर लगाने से भी डर नहीं, वो ऑटोमेटिकली वाइट मिल जाएगा हमें थोड़ा बहुत। सो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डार्क ब्लू दिया है, एज वी नो डार्क ग्रीन का डार्क शेड डार्क ब्लू होता है उसके बाद ब्लैक आता है, तो मैंने थोड़ा डार्क डार्क ब्लू यहाँ पे लगा दिया है, प्रशियन ब्लू, डार्क ब्लू, वी कैन यूज एनी कलर। एंड अब इसको हटा लेते हैं, तो मैं अपने फिंगर से, ये थोड़ा सा चिपक गया है क्योंकि कलर है, तो एंड इसको हटा लेते हैं एंड लेट्स सी। हाँ, हमें थोड़ा सा वाइट पार्ट मिल गया है जो हमें चाहिए था, तो यहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके ऊपर एक ट्री बनाएंगे, एक ट्री जो शेडो में होता है। उससे पहले लुक में जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर लग गया था वहाँ पे मैंने वाइट कलर यूज़ में ले लिया है, जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा कलर अंदर की तरफ स्प्रेड हो गया है, वाटर कलर है तो आ जाता है थोड़ा बहुत वाटर के साथ, तो थोड़ा सा वाइट कलर लगा दिया है और हाईलाइट करने के लिए। एंड अब इसका ट्री बना लेते हैं, पहले ग्राउंड बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ट्री बनाएंगे। तो ये हमारा ग्राउंड, लाइक ब्लैक कलर से प्लेन बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लैक कलर से आप थोड़ा ऊपर नीचे, ज़्यादा चाहो ज़्यादा बना सकते हो, कम चाहो कम। अब ट्रंक बना रहे हैं, ट्रंक भी ब्लैक कलर से बना रहे हैं क्योंकि पीछे हमने बहुत सनलाइट दे दिया है, लाइट दे दिया है, तो हम ब्लैक कलर से बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होएगा। देन इसकी ब्रांचेस बना देंगे, कुछ पतली कुछ मोटी, बट एक बात ध्यान रखना है जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है उसके पीछे वाला पार्ट मोटा होना चाहिए। लाइक जैसे हमारा ट्रंक जो है ना वो मोटा है, ब्रांचेस थोड़ी पतली होगी, ट्रंक से ज़्यादा मोटी ब्रांचेस नहीं हो सकती ना होगी, ठीक है, वरना वो ट्रंक पे टिकेगी नहीं। तो हमने ऐसे रैंडमली हम बना सकते हैं ब्रांचेस, कितनी भी बना सकते हैं, छोटी मोटी जैसे हमको सही लगे। तो यहाँ पे कुछ इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कैसे बनेगा हमारे ऊपर है हम कैसा बनाना चाहें। एंड उसी तरह से लाइक मैं भी रैंडमली कहीं पर भी ब्रांचेस ऐड करता जा रहा हूँ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ भी मुझे सही लगता जा रहा है। एंड वाइट वाले पार्ट के ऊपर भी हम बना सकते हैं क्योंकि वो हाईलाइट लाइट शो कर रहा है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पार्ट हम यूज़ में ले लेंगे इसका अच्छे से। एंड ये ट्री भी हमारा रेडी हो गया है, एंड लेट्स एड सम मोर ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस टू दिस लेफ, या ऑल राइट। सो नीचे भी ऐड कर दिया है कुछ कुछ, तो आप भी कर सकते हो इसमें जहाँ भी आपको लगता है कि ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, छोटी मोटी बड़ी लंबी लेफ्ट राइट कहाँ पे भी जहाँ पे आप ऐड करना चाहो। एंड ये कंप्लीट हो गया, अब इसकी टैप हटा लेते हैं। टैप हटाने के बाद कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरह से आप बना सकते हो इसको। लेट्स ओपन दिस, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये पार्ट काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। एंड कंप्लीट हो गया, ये नीचे वाला भी हटा लेते हैं, फट नहीं जाए ये। ओके सो आराम से हट गया। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।